नमस्कार दोस्तों। तो काफी सारे टाइम के बाद आज हम फिर से आ गए आपके सामने एक नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेकर। काफी सारे लोगों के सवाल थे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे, कि सर वैकेंसी तो अब आने वाली है, तो आगे की दिशा दीजिए हमें। तो इसीलिए मैं आज एडवोकेट डॉक्टर डीएन शर्मा जी से नहीं, डॉक्टर डीएन शर्मा जी से मिलने आया हूँ, जो कि आईटी फील्ड में काफी एक्सपर्ट हैं और कंप्यूटर टीचर वैकेंसी में ये हमें काफी अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो इनसे जानते हैं कुछ ऐसे सवाल जिनकी आपको बहुत दिनों से तलाश थी। तो पहला सवाल, सर तैयारी कैसे की जाए? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब तक हमारे पास सिलेबस नहीं आता है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी बुक्स हैं, जो हमने बीटेक एमसीए वगैरह में पढ़ी थी, उन्हीं बुक्स को हम रेफर कर सकते हैं और उनको उठा के स्टडी चालू कर सकते हैं। जैसे सी है, डीबीएमएस है, बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमें लोकल बुक्स नहीं काम में लेनी। प्रज्ञा पब्लिकेशन या जो, अगर मैं नाम नहीं लूँ तो अच्छा है, लेकिन जो जयपुर के जो इंटरेस्टिंग पब्लिकेशंस हैं उनकी बुक्स अगर हम काम में नहीं लेते तो अच्छा है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस ये नहीं आने वाले कि एरे क्या होगा। हमारे क्वेश्चन आएंगे जो एरे की इंटरनल को डिटेल्स हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं बेसिकली, वो ट्रिकी क्वेश्चंस ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्लोट क्या होगा इससे मतलब नहीं है, लेकिन 2.5 का डेटा टाइप क्या होगा, डेफिनेटली आप कहेंगे फ्लोट नहीं, वो होता है डबल। किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो फ्लोटिंग पॉइंट जो लिटरल है उसका टाइप होता है डबल। तो ऐसे जो क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चंस, वो ज्यादा एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं अच्छे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशंस में। तो मेरा मानना है जो भी बुक्स आपके पास हैं उन बुक्स को आप रेफर करें, ज्यादा अभी खरीदें नहीं जब तक सिलेबस नहीं आ जाता। लोकल बुक्स को थोड़ा अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर होगा। सर जैसे कि आपको तो पता ही, कंप्यूटर टीचर वैकेंसी के लिए हिंदी मीडियम के भी छात्र अप्लाई कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के भी अप्लाई कर रहे हैं। तो जो हिंदी मीडियम के जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको कौन सी बुक रेफर करना चाहेंगे आप? देखिए, कंप्यूटर साइंस में हिंदी मीडियम की बुक्स अवेलेबल नहीं है और जो है वो मुझे नहीं लगता कि काम की होंगी। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जैसे कुछ वर्ड्स अगर मैं लूँ, पॉलीमॉर्फिज्म, इसकी हिंदी क्या होगी, हम इसकी हिंदी बड़ी आसानी से नहीं निकाल सकते। लूप को अगर मैं हिंदी में बारंबार तक कहूँ तो शायद ज़्यादा क्लिष्ट हो जाएगा। तो ऐसे केसेस के अंदर हिंदी मीडियम में आप बुक्स आपको मिलना मुश्किल है और रेफर ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि कई बार हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड्स अलग अलग बुक्स अलग अलग रेफर करती हैं। अगर हमारा पेपर हिंदी में आ भी गया तो भी हमारे कुछ जरूरी नहीं कि वो बात समझ में आ जाए। हाँ, आप ये कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरी थ्योरी नहीं लिखनी, थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आने, हमें पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो इतनी इंग्लिश आप, इंग्लिश के वर्ड्स आप देख लें कि आप क्वेश्चन को समझ सकें। पॉलीमॉर्फिज्म को पॉलीमॉर्फिज्म ही लिखें, ना कि उसका हिंदी रूपांतरण। अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म ही अगर आप अपने नोट्स में बनाएंगे तो आपको समझना आसान होगा, और जब क्वेश्चन भी आपके सामने होगा तो आप आसानी से उसको समझ पाएंगे कि क्वेश्चन का मतलब क्या है और आंसर क्या। हाँ, नोट्स आप हिंदी में बना लीजिए, पॉलीमॉर्फिज्म यह होता है, लाइक इस तरीके के शब्द आप काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म का हिंदी रूपांतरण ढूंढने की कोशिश करेंगे, गूगल ट्रांसलेटर में जाके देखेंगे, तो शायद आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं। जब हम केवल कंप्यूटर फंडामेंटल की बात करते हैं, वर्ड एक्सेल की बात करते हैं, तो इनमें हमें हिंदी में मटेरियल मिल जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा हाई एंड टॉपिक्स के ऊपर जाएंगे तो हिंदी में मिलना मुश्किल है, और जो बुक्स मार्केट में आती हैं वो इतनी अच्छी स्टैंडर्ड की नहीं हो पाती हैं, क्योंकि प्रॉपर हिंदी पॉसिबल नहीं होती है। तो बेसिकली सर आप तो जानते ही हैं, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, कोई अपने ग्रेजुएशन बैकग्राउंड से है, तो अक्सर ये रहता है कि हम लोग 10 दिन पहले पढ़ाई कर लेते हैं, पास हो जाते हैं। तो कंप्यूटर टीचर वैकेंसी के लिए तैयारी करने की कोई शॉर्टकट ट्रिप टिप हो तो कुछ ऐसा कुछ बताइए, कुछ देखिए, ट्रिक। कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। जब आप बीटेक और एमसीए की तैयारी करते हैं उस वक्त हमारा फोकस इंटरनल्स पे नहीं होता है, केवल कॉपीज करने पे होता है, तो वो यहाँ पर नहीं चल सकता। जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे तो डेफिनेटली हमें डेप्थ में जाना होता है और सफिशियंट डेप्थ में चाहिए होती है। कोई एग्जाम्पल अगर जैसे हम सी कर लें, तो एक क्वेश्चन आपके पास है कि भाई सी किसने बनाई, दूसरा लेवल का क्वेश्चन आपका थोड़ा इंटरनल में आपको एक एक्सप्रेशन दिया और उसको इवेलुएट करवा दिया, और तीसरे लेवल का क्वेश्चन हुआ पॉइंटर अर्थमेटिक के ऊपर आप चले गए।
तो डेफिनेटली आपको पॉइंटर अर्थमेटिक्स पर जाना पड़ेगा, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता, उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छी बुक्स, अच्छी, अगर आप वीडियो ट्यूटोरियल्स ले रहे हैं तो अच्छे वीडियो ट्यूटोरियल्स, अच्छी फैकल्टीज को रेफर करना पड़ेगा। और कोई शॉर्टकट की सक्सेस के लिए पॉसिबल नहीं होती है, शॉर्टकट की हमेशा अपना केवल और केवल हम अपना केवल पागल बनाने के लिए काम में ले लेते हैं, या आप कहें कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वहाँ पर हमारे शॉर्टकट्स काम आ जाते हैं। कंप्यूटर साइंस आई डोंट थिंक शॉर्टकट के हिसाब को ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा इंटरव्यू डॉक्टर टी एन शर्मा जी के साथ। आई होप आपके बड़े बड़े जो सवाल थे वो सॉल्व हुए होंगे, और अगर नहीं हुए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अपना सवाल लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको वहीं रिप्लाई करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपको भी और आपके दोस्तों को भी वैल्यूएबल डॉक्टर टी एन शर्मा जी के कमेंट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच।